शैतवानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुरहीम। आज बेटा हमारे पास टॉपिक 6.4 और वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बेटा हमारे पास एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स में रीड किया था। तो एनर्जी होता है बेटा किसी भी जिस्म के जो काम करने की सलाहियत होती है वो एनर्जी कहलाती है। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ एनर्जीज थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हमारे पास एक मैकेनिकल एनर्जी आती थी। तो हमारे पास क्या आती थी, पहले मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक था आपके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पहले हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो हम फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा थी कि कोई भी जिस्म जो अपने हरकत की वजह से, किसी भी जिस्म में मतलब हरकत की वजह से जो मौजूद एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पर ये, जैसे कि हमारे पास पहले यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा था। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की, कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया। तो इसने क्या किया, वर्क किया, और इसमें जो एनर्जी मौजूद थी वो हमारे पास कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरह सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर भी कोई ना कोई फैक्ट होगा, इसे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर हमें किस तरह पता लग पाएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो पता लग गया कि वो कोई भी जिस्म जो मूव कर रहा होता है वो हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि हवा है, हवा मुसलसल क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। इसका मतलब उसके अंदर क्या मौजूद होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में भी एक फैक्ट मौजूद होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में या इस मास के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है या नहीं है। तो अब हम वो फैक्ट देख लेते हैं कि वो क्या है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक दरख्त बना लेते हैं। अब इस दरख्त में क्या है कि यहां पर मिसाल के तौर पर कोई फल लगा हुआ है, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक सेब है हमारे पास। अब ये जो सेब है जमीन से कुछ हाइट पर है, ये नहीं है कि वो जमीन के साथ टकरा जाएगा, गिर जाएगा। वो क्या है, सेब इस ट्री के साथ अटैच है। अब इसके अंदर कुछ जमीन से दरख्त के ऊपर यहाँ पर कुछ हाइट मौजूद है। अब क्या होगा, जब भी ये सेब नीचे गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो वो वर्क करने की सलाहियत रखेगा। अब यहां से हाइट की वजह से जो मौजूद एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी बेटा, हाइट की वजह से मौजूद एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई भी जिस्म जो एक मखसूस हाइट पर हो तो उसके अंदर क्या मौजूद होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब यहां पर हमारे पास सेब के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी की। क्योंकि जमीन इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। जब भी मिसाल के तौर पर ये एप्पल जो होगा नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये नहीं होगा कि दरमियान में वो अटक जाएगा या यहाँ पर आके वो रुक जाएगा, जमीन पे नहीं गिरेगा। तो क्या होगा कि जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका जो वजन हमारे पास, वेट आएगा, वो W बराबर mg आएगा। कि मतलब g इस वजह से यूज किया क्योंकि इस सेब के ऊपर हमारे पास क्या, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटी की। इस वजह से मास के साथ, सेब के मास के साथ हमने ग्रेविटी जी को भी शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और जो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स कहलाएगी वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहां मैं लिख लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा फिर भी।
तो हमारे पास ये क्या है, W बराबर है एम जी है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मतलब शेप के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो अगर हम एक और एग्जांपल लें कि जैसे कि हमारे पास एक तीर कमान होती है, अब तीर कमान में क्या है कि यहाँ पर तीर होता है और यहाँ पर वो क्या है कि एक हमारे पास इलास्टिक टाइप की रस्सी टाइप की होती है, एक डोरी सी। तो जब उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पहले यहां पर थी वो तनी हुई नहीं थी, वो कहां पर थी, पहले यहां पर थी। जब हमने उसको क्या किया, खींचा पीछे की तरफ उसको क्या किया, खींचा, तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होगी और वो जो फोर्स कहलाएगी हमारे पास वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे ही फिर हम क्या करेंगे, इस इलास्टिक को छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, तीर आगे की तरफ तेजी से मूव करेगा, तो वो हमारे पास उस क्या कहलाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। वो जो फोर्स कहलाएगी वो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब हम इसके मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ आ जाते हैं कि इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या बनेगा। अब देखिए बेटा, जैसे कि अब जब ये सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो मतलब वो कोई ना कोई काम करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, यहां से जमीन पर आके यहां से यहां तक का वर्क तय किया, काम किया। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इक्वल आएगी आपके पास बेटा वर्क डन के, और जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है एस है, तो यहाँ हमारे पास एस की जगह पर क्या यूज होगा, हाइट यूज होगी। हाइट क्यों यूज होगी, क्योंकि उसने क्या किया, वर्टिकली कुछ फासला तय किया, ऊपर से नीचे आया तो वो हाइट की वजह से हुआ। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस एस नहीं यूज करूंगा और H को यूज करूंगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही थी, जो फोर्स थी वो इक्वल थी हमारे पास किस चीज के, वेट के। और जो वेट था बेटा वो अभी मैंने आपको बताया था वो इक्वल है mg के, तो यहाँ पर F जो आएगा वो इक्वल आएगा mg के इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख लें कि mgh, तो यहाँ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एम जी एच। तो इसमें आपने मेन बात यही याद रखनी है कि कोई भी जिस्म जो हाइट पर मौजूद हो, इसका मतलब उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब ग्रेविटेशनली कह सकते, क्योंकि अगर वो जमीन के हिसाब से आप चेक करेंगे तो ग्रेविटेशनल होगा, अगर वैसे आप चेक कर लें तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे उसको छोड़ा जाएगा किसी भी सतह से तो वो हमारे पास नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।